अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका होस्ट आसिम और आप देख रहे हैं हाउ टू डीजिप चैनल। और आज की इस वीडियो में हम जो है सैमसंग गैलेक्सी M20 की अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आ गए हैं। अब ये वाला फोन आपको पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आसानी के साथ, क्योंकि ये है मेक फॉर इंडिया, मतलब ये इंडिया में बनाया और इंडियंस के लिए ही है। तो ये हमें अगर पाकिस्तान में मिलता है तो इसकी वारंटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम इसको अनबॉक्स करेंगे। अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपको जो है विदाउट वारंटी PTA अप्रूव्ड अराउंड 33,000 से 34,000 रुपये में मिल जाएगा 4GB वाला। और अगर आप इसको 3GB वाला लेना चाहेंगे वो 28,500 का या 29,000 का आपको मिल जाएगा। तो बॉक्स आप यहां पर देख सकते हैं। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है और फ़ोन हमें किस तरह से दिखाई देता है, सैमसंग गैलेक्सी M20। तो चले देख लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके गाइस, तो यहाँ पर है मेरे पास M20 का बॉक्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं M20 लिखा गया है। इस साइड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M20 और यहाँ पर इसकी स्पेसिफिकेशन दी गई है, जैसा कि कैमरा के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, बैटरी के बारे में। और ये मेरे पास जो अभी अवेलेबल है ये 4GB 64GB वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं मेक फॉर इंडिया, ये सिर्फ इंडिया के लिए बनाया। और यहाँ पर मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है इंडिया की प्राइस ही मेंशन की गई है, क्योंकि ये पाकिस्तान में अभी तक अवेलेबल नहीं था। मैंने अपने किसी दोस्त से कह के ये मंगवाया, ये नीचे इसकी जो है IME इंफॉर्मेशन दी गई है। हम यहाँ से इसको इस तरह से ओपन करते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर बॉक्स आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको इस साइड पर रख देता हूँ और हम बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है इस साइड से हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर क्विक स्टार्ट गाइड और उसके अलावा वारंटी कार्ड। दोस्तों क्योंकि ये वारंटी कार्ड जो है सिर्फ इंडिया के लिए वैलिड है तो ये आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि ये विदाउट वारंटी ही पाकिस्तान में आते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोन को निकाल लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्लू कलर में मैंने जो है बाय किया है। इसको ऑन कर लेते हैं हम जल्दी से। तो यहाँ पर ये ऑन होना शुरू हो गया। अब हम जो है इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको टाइप सी केबल मिल जाती है, जो कि इस प्राइस में काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो है एक चार्जर मिल जाता है, जिसकी रेटिंग वगैरह आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर एक सिम इजेक्टर टूल है। तो गाइस यहाँ पर हम डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा ऊपर कैमरा मिल जाता है आपको 8 मेगापिक्सल का वी नॉच के साथ। नीचे आपको जो है सी टाइप सी पोर्ट मिल जाती है। साइड में आपको एक सिम ट्रे मिल जाती है जिसमें आप दो सिम और एक कार्ड यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड में आपको डुअल कैमरा सेटअप विद LED फ्लैश और उसके अलावा जो है फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। इसका बैक साइड है इतना अच्छा नहीं, यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट छप जाते हैं। मतलब इसके लिए आपको एक अलग से सिलिकॉन प्रोटेक्टर लेना पड़ेगा। और उसके अलावा नीचे आपको 3.5mm का जैक भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अब मैं आप इसको कुछ दिन से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। मेन मसला इसके जो है ना, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं। प्राइस की बात करें 34 से 36 अराउंड मिल जाएगा, मतलब 34 से 36 तक मिल जाएगा आपको 4GB वाला। ओके, तो दोस्तों M20 की जो है अनबॉक्सिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए कि हम आने वाले दिनों में फ़ोन्स की अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह लाया करें या फिर नहीं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।